डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्राफ थ्योरी, दैट इज यूलर ग्राफ। मतलब आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, चेक करो कि वेदर द ग्राफ इज अ यूलर ग्राफ और नॉट। ठीक है, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वेदर द गिवन ग्राफ इज यूलर ग्राफ और नॉट, या फिर एक और वर्ड हम यूज करते हैं यूलेरियन, कि वेदर द ग्राफ इज अ यूलेरियन ग्राफ और नॉट। तो किसी भी तरीके से आपको पूछे, बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन या कहीं से भी इसको पढ़ते हो ना, तो स्टूडेंट्स और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया तरीका समझाने का, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। जब भी आपको यूलर ग्राफ का पूछते हैं, तो आपको दो चीजें चेक करनी होती हैं, एक यूलर पाथ और दूसरा यूलर सर्किट। एक तो यूलर पाथ और दूसरा यूलर सर्किट, ठीक है। और अगर किसी भी ग्राफ में दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो क्या होता है, यूलर ग्राफ होता है। ठीक है, जब भी दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज अ यूलर ग्राफ। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यूलर पाथ की। यूलर पाथ का मतलब क्या है, कि आपको सारी की सारी एजेस को कवर करना है विदाउट एनी रिपीटिशन। मतलब आपको सारी एजेस को कवर करना है विदाउट एनी रिपीटिशन। एक तरह से आप कह सकते हो कि आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, जैसे हम नॉर्मल वॉक में करते हैं, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, सारी की सारी एजेस को कवर करते जाओ, और कोई भी एज जो है वो बचनी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, तो यूलर पाथ उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और यूलर सर्किट का मतलब क्या है, या साइकिल बोल देते हैं, यूलर सर्किट या यूलर साइकिल, मतलब आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, सारी की सारी एजेस को कवर करो, और वापस उसी जगह पे पहुंचो जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था। बस यही डिफरेंस है पाथ और सर्किट में। पाथ में आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं पे भी जाके खत्म हो जाओ, लेकिन सारी एजेस को कवर करना है। लेकिन यूलर सर्किट में एक और कंस्ट्रेंट आ गया, वापस उसी जगह पे पहुंचना, मतलब घर से चले घूम घाम के वापस घर पे ही पहुंचना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपके पास ग्राफ है, ग्राफ थ्योरी में कुछ भी समझना हो तो एग्जाम्पल सबसे बढ़िया लेना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल से, बड़े छोटे से एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। लेट्स से आप ए से स्टार्ट कर लेते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ए से स्टार्ट किया तो इस तरीके से आप चलते जाओ, और एक तरह से ज्यूम कर लो कि ये एज खत्म हो गई। मतलब अगर मैं दोबारा से बनाऊं, तो आप इस तरीके से लेट्स से इसको बना लो, ठीक है, आप ऐसे बना लो, ठीक है। अब एक तरह से आपको करना क्या है, एक तरह से आप मान के चलो कि पहले यहां से स्टार्ट किया तो ये एज एक तरह से कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये एज एक तरह से खत्म हो गई। आप यहां से चले, यहां पहुंच गए। अब यहां से लेट्स सी आप इस तरफ चले, नीचे वाली तरफ, तो आप यहां पे पहुंच गए। कहने का मतलब क्या, कि आपने ऊपर से चलना स्टार्ट किया, नीचे तक पहुंच गए, अब आप यहां पे रुक गए, अब आप यहां से वापस ऊपर नहीं आ सकते, कोई पाथ ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पहुंच गए, यहां से लेट्स सी आप नीचे चले गए, अब ये एज तो खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, अब यहां से वापस ऊपर कैसे आओगे। तो आप कैसे मर्जी कहीं से भी चल पड़ो, सारी की सारी एजेस कवर नहीं होंगी। तो यानी इसके अंदर आप कह सकते हो कि यूलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और याद रखना, जब पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो सर्किट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट का तो और भी एक कंडीशन है कि आपको घूम के वापिस अपने घर पे पहुंचना है, तो वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये यूलर ग्राफ नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से आपको इस तरीके से ग्राफ दे दे, ठीक है, ऐसे ग्राफ दे दे, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, प्रॉपर पॉइंट से। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, और आप यहां से लेट्स से इधर गए, ठीक है, ये एज एक तरह से कवर हो गई, यहां से नीचे आए ये एज कवर हो गई, यहां से इधर आए ये एज कवर हो गई, यहां से ऊपर आए ये एज कवर हो गई, और यहां से आप नीचे गए ये एज कवर हो गई। तो देखो सारी एजेस आपने कवर कर ली, तो ये आपका क्या बन गया, पाथ, यूलर पाथ। लेकिन क्या आप वापस उसी जगह पे पहुंच पा रहे हो जहां से आपने स्टार्ट किया, नहीं। तो यानी यहां पे पाथ तो है बट यूलर सर्किट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक और छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं, कि कई बार ना आप इस तरीके से भी फंस जाते हो। कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर लेट्स सी अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो मैं यहां से इधर गया, ठीक है, ये एज कवर हो गई, यहां से मैं ऊपर आया ये एज कवर हो गई, यहां से मैं इधर गया ये एज कवर हो गई, अब यहां पे मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि यहां के बाद मेरे पास ना तो ये एज है,
ना ये एज है और ना ये एज है, यहाँ पे आके आप फंस गए। अब आप ये बाकी की दो एजेस को कैसे कवर करोगे, तो यानी इसमें तो पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन गाइस ध्यान रखना, आपको इस तरीके से अपनी मूवमेंट करनी है कि आप कोशिश करो कि सारी की सारी एजेस कवर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चलोगे सारी एजेस आपकी कवर हो जाएगी और यहाँ पे पाथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से चलते जा रहे हो कि आपका पाथ भी नहीं बन रहा बट पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें जैसे इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे हमने लेट से ए से स्टार्ट किया चलना, ए से आप गए लेट से ई पे, ठीक है, ये एज कवर हो गई। डी पे ये एज कवर हो गई, यहां से गए बी पे ये एज कवर हो गई, यहां से आप गए इस पे ई पे ये एज कवर हो गई, यहां से आप सी पे गए ये एज कवर हो गई, यहां से आप वापस इस ए पे पहुंच गए ये एज कवर हो गई। तो देखो सारी की सारी एजेस कवर हो गई, यस। और यहां पे एक और पॉइंट है कि जहां से हम चले थे, चलना स्टार्ट किया था, हम वापस उसी जगह पे पहुंच गए, मतलब इसका कि इसमें सर्किट भी एग्जिस्ट करता है, यूलर सर्किट भी एग्जिस्ट करता है। तो जहां पे भी यूलर पाथ और सर्किट एग्जिस्ट करता है वो ग्राफ कौन सा है, यूलर। तो ये कौन सा है, यूलर ग्राफ। ये यूलर पाथ ही नहीं है, तो सर्किट तो दूर की बात है, तो ये यूलर नहीं है। और ये वाला यूलर पाथ तो था लेकिन सर्किट नहीं था, क्योंकि हम वापस उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, तो यानी ये भी यूलर ग्राफ नहीं है। बस ये सिंपल से एग्जांपल। अब आपको जो मर्जी ग्राफ दे दे, बड़े से बड़ा, बस आपको ध्यान से चलना है, ध्यान से आपको अपना प्रोसेस करना है। थैंक यू।